तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूं छठ पूजा जहां पर होती है वहां पर मैं पहुंच चुका हूं और मैं आपको छठ पूजा का जो पूरा होता है वो दिखाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बिहार और यूपी में बहुत ही बड़ा एक पर्व छठ पूजा को बताया जाता है, माना जाता है। और अभी संझिया घाट है जो कि शाम को एक सुबह को होती है, जैसे इस तरीके से आपको कुछ देखने को मिलेगा क्योंकि इसमें फल फूल जितने भी पूजा के सामान होते हैं इसमें रखा जाता है। एक टोकरी होती है उसमें पूरा सामान को रखा जाता है, इसी तरीके सबका अलग अलग होता है। और इसके बाद पानी में वो उनके घर के एक परिवार के लोग जाते हैं, वो भी आपको आगे दिखाने की कोशिश करूंगा। फिलहाल मैं अंदर पंडाल के अंदर इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा कि सबके पास एक एक टोकरी होती है, डौरी पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, उसमें जो भी पूजा के सामान होते हैं उसमें रखा होता है और उसमें से कुछ सामान को निकाल कर यहाँ पर आते हैं। पानी में खड़े होते जैसे सूर्य को नमस्कार करते हैं डूबते समय शाम को। तो अभी फिलहाल मैं शाम का दिखा रहा हूँ और जितना मतलब शाम को सूरज के डूबने से पहले कुछ क्षण पहले कुछ समय पहले अपना पानी में खड़े होते हैं और सूर्य को नमस्कार करते हैं। उसको कुछ जो पूजा का सामान जो जैसे कि मैंने दिखाया जो टोकरी में से कुछ सामान को लेकर के यहाँ पर और कुछ इस तरीके से पंडाल वगैरह बनाया गया जो कि ढाका ये आईबी का मैं दिखा रहा हूँ, जो कि ढाका आईबी बहुत ही फेमस है। इसके अंदर छठ पूजा जो कि बहुत ही काफ़ी अच्छे तरीके से मनाया जाता है, इसमें लगभग 3 से 4 पंडाल इस तरीके का बनाया गया। और जैसे कि मैंने बताया कि बहुत ही मतलब बिहार और यूपी में छठ पूजा का महत्व है और लोग काफ़ी दूर दूर से इस पर्व को मनाने के लिए अपने घर पर आते हैं। तो आप सभी को पूरे देशवासियों को मेरे तरफ से छठ के एक महान पर्व पर बहुत बहुत शुभकामनाएं और जितने भी हमारे खास तरह से फॉलोवर्स हैं और सब्सक्राइबर सभी को सबको छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तालाब और सामने सूर्य आपको देखने को मिलेगा, तो सामने एकदम उसके खड़े होते हैं सूरज के एकदम सामने खड़े होते हैं पानी में, जैसे कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। तो कहीं भी मनाया जाता है तो छठ का जो प्रोसेस होता है इसी तरीके से होता है। अब कहीं भी देखते हैं अगर छोटे मेन फेमस जो यूपी बिहार का, लेकिन आपको हर जगह थोड़ा बहुत देखने को मिल जाता है क्योंकि इस जगह के लोग बाहर रहते हैं तो छठ पूजा इसी तरीके से वो मनाते हैं। पानी के अंदर उनको जाना होता है और पानी के अंदर इसी तरीके से हाथ जोड़कर सूर्य को नमस्कार करते हैं, जैसे कि आपको इस वीडियो में देखने को मिल रहा है छठ पूजा जो कि बहुत ही फेमस है। और फिलहाल मैं अपडेट दे रहा हूँ जो कि ढाका से, ढाका बिहार एक मोतिहारी के बाद ढाका एक मेन सिटी माना जाता है और यहाँ से मैं आपको दिखाने की लाइव आपको दिखाने की आज अपडेट देने की कोशिश कर रहा हूँ। ये शाम का समय हो रहा और ये एक दो पार्ट में होता है, एक शाम को एक सुबह को। और ये जो ढाका का अध्यक्ष है जो कि नए चेयरमैन बने वो फिलहाल यहाँ पर निरीक्षण करने के लिए पहुँचे हैं, तो मैं अभी शाम का अपडेट दे रहा हूँ। सुबह का हो सकता है तो सुबह देंगे। तो मेन प्रोसेस यही होता है कि वो सुबह में क्या होता है कि सूर्य निकलने से पहले वो पानी में उतर जाते हैं और सूर्य निकलने से पहले वो पूरा अपना सूर्य निकलने तक उनको नमस्कार करने के लिए पानी में उतर जाते हैं अपना पूजा करने के लिए। तो ये पंडाल वगैरह कुछ काफ़ी खूबसूरत देखने को मिलता है और इसी तरीके से आप हर जगह देख सकते हैं कि छठ पूजा बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है और एक बहुत ही महत्व रखता है ये पर्व, क्योंकि अभी फिलहाल दिवाली के बाद अगर मानते हैं तो बिहार यूपी में इसको बहुत ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। इसी तरीके से तालाब वगैरह होता है, छोटे बड़े तालाब हो सकते हैं, नदी पे हर जगह आप देखते होंगे छठ की तैयारी वगैरह बहुत धूमधाम से चलती है, कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ज़्यादातर जो आप इसमें देख सकते हैं जो कि लेडीज़ होती है और लेडीज़ पूजा करती है छठ में। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सब जगह यहाँ पर जो सामान पूरा लेकर आ गए हैं इसमें से कुछ सामान अपना पूजा का जो निकाल करके थोड़ा बहुत वो पानी में उसी तरीके से अपने फैमिली मेम्बर्स में जो भी अपना पूजा करने वाले हैं वो पानी में इसी तरीके से आप यहाँ पर देख रहे हैं कि वहाँ पर उतरते हैं पानी के अंदर। वो लिमिट एक बनाई जाती है कि जैसे बांस वगैरह सब देख सकते हैं कि यहाँ पर घेरा गया है, उसके आगे आप नहीं जा सकते। ये शासन प्रशासन के द्वारा ये बनाया जाता है ताकि कोई दुर्घटना न हो पाए, इसके लिए पूरी तैयारी की जाती है कहाँ तक जो भी पूजा करने वाले पानी में उतरने वाले वो कहाँ तक उतर सकते हैं। आप देख सकते हैं पूरी मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर इंतज़ाम किया गया है, बांस वगैरह की बैरिकेडिंग भी की गई है। तो छठ पूजा आपका वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पर फर्स्ट टाइम देखने को मिला होगा और इसी तरीके से मैं हर चीज़ आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करता रहता हूँ।